कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए। और जो है कहते हैं स्टारों को याद करते रहो, तो कहीं ना कहीं स्टारों को भी लगता है कि उन्हें जो है जल्द ही आपको खुशखबरी देनी है। ऐसे में मैं हर्षद चोपड़ा की बात करूंगी, जिन्हें लास्ट आप ये रिश्ता क्या कहलाता कि थर्ड पीढ़ी में अभिमन्यु का रोल करते हुए देख चुके हैं। कल से वो ट्विटर पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो रहे हैं। वो कभी सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं या अपनी इंस्टा पर जो है जल्दी से कोई पोस्ट नहीं डालते हैं। अगर डाल दें तो तूफान की तरह फैंस जो है ना ट्विटर पर ट्रेंड कर देते हैं। ऐसे में हर्षद चोपड़ा काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं। वजह क्या है? हर्षद चोपड़ा भी कुछ दिन से लगातार ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं। कभी जो है ये रिश्ता क्या कहलाता के थर्ड जनरेशन के राइटर कुछ खास बातें करते हैं तो जो है इस वजह से ट्विटर पे ट्रेंड हो जाते हैं, तो कभी जो है हर्षद चोपड़ा ऑन स्क्रीन अभिमन्यु के जो बेटे अबीर थे उनके बर्थडे पर जाते हैं श्रेयांश के, तो वो इस वजह से ट्विटर पे ट्रेंड हो जाते हैं। राज वजह है आईटी अवार्ड यानी कि इंडियन टेलीविज़न अकेडमी अवार्ड इज़ वेरी पॉपुलर अवार्ड जो कि स्टार प्लस पे जो है 2 बार आ चुका है और काफ़ी पुराना अवार्ड है जिसमें बॉलीवुड के सितारे भी इस अवार्ड का हिस्सा बनते हैं। इस अवार्ड की ट्रॉफी लेना हर किसी की किस्मत पे होता है, या ये कहें कि इस अवार्ड को पाने की इच्छा हर किसी को होती है। ऐसे में इस अवार्ड फंक्शन का हर कोई हिस्सा बनता है, लेकिन ट्रॉफी किसी किसी के हाथ में आती है। और अब तो ये अवार्ड इतना बड़ा हो गया है कि स्टार प्लस पर जो है दिखाया जाता है। ऐसे में जो है वहाँ की जो ओनर है उन्होंने बताया कि अब तक के सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई है, यानी कि वैसे जो उन्होंने अपने कुछ पास्ट की चीज़ें बताई कि अब तक की जो सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है वो हर्षद चोपड़ा को हुई है। 17 करोड़ उन्होंने मतलब एक इंटरव्यू में बताया कि 17 करोड़ वोटिंग हुई है हर्षद चोपड़ा को बेस्ट एक्टर के लिए। पहली बार जो है लाइफ में इस अवार्ड फंक्शन में किसी को इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो ऐसे में जो है उन्होंने कहा कि ये बेस्ट तो है ही, पॉपुलर भी है, क्योंकि अब तक के मेरे यहाँ पे इतनी ज़्यादा वोटिंग किसी को नहीं हुई है, फिर चाहे बॉलीवुड स्टार हो या फिर छोटे पर्दे के। तो ऐसे में ये काफ़ी गुड न्यूज़ है कि हर्षद के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं बाद में ये रिश्ता क्या कहलाता कि टीआरपी जो कम हुई, फैंस को लगा हर्षद के सीन बहुत कम हो गए हैं, हर्षद को एक साइडवेज रोल दे दिया है, जो सेकंड पे आया है उसे फर्स्ट पे रोल दे दिया है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से फैंस को लग रहा था और शायद हर्षद को भी लग रहा था कि मैं मेन लीड में हूँ या नहीं, तो ये काफ़ी बार खुलासे हुए हैं। ऐसे में जो है आपको क्या लगता है कि अब हर्षद चोपड़ा क्या टीवी पे ही कमबैक करेंगे या फिर ओटीटी की तरफ बढ़ेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।